तो गाइस भाना जैसा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने फैमिली का ख्याल रखते होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे माता रानी का स्टोरी, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी दिखाया गया है। तो ये देखिए पर्दा जल रहा है और ये देखिए कृष्ण जी और राधा जी रासलीला कर रहे हैं, वो बांसुरी बजा रहे हैं और वो उनकी बांसुरी को सुन रही हैं और बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा था। ये देखिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये देखिए यहाँ पे कृष्ण जी अपने राधा के साथ बांसुरी बजा के मगन हो गए हैं और इधर महिषासुर अपना अग्नि में बैठ के यज्ञ कर रहा था, यज्ञ किया। फिर ब्रह्मा जी आए और उनसे उसने वरदान मांगा कि मुझे कोई मार ना पाए, मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। तो उसने कहा था ना देवता मांगे ना कोई मनुष्य ना कोई जानवर, उसने स्त्री का नाम नहीं लिया था। तो वर्मा जी कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि तुम अमर हो जाओ और तुम्हें कोई मान न पाए, ये वरदान नहीं दे सकता। तो वो बोलता है मैं अग्नि में बैठ के फिर से तपस्या करता रहूँगा जब तक मुझे अमर होने का वरदान नहीं मिल जाता और मैं इसी अग्नि में भस्म हो जाऊँगा अगर आपने मुझे फल नहीं दिया मेरे वरदान का। तो फिर ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं कि ऐसा वरदान नहीं मांगना चाहिए, लेकिन वो जिद करने लगता है। तो ब्रह्मा जी उनको समझा के थक जाते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी बोल देते हैं तथा अस्तु। इतना कह के ब्रह्मा जी वहाँ से जाने के लिए हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी की कोई बात नहीं सुनते हैं। लेकिन अमर का वरदान तो किसी को भी नहीं मिला है तो इनको कैसे मिल जाता। तो कोई वो मान ही नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी बहुत समझाएं लेकिन महिषासुर बहुत अभिमानी था, उन्होंने कोई बात ब्रह्मा जी की नहीं सुनी और अपने ही बात पे अटल रहा कि मुझे वरदान तो यही चाहिए कि कोई देवता कोई राक्षस कोई जानवर मुझे मार ना सके। लेकिन ब्रह्मा जी पहले आदमी को समझाया जाता है कि ऐसा है कि ये मत करो, लेकिन जब तक उसकी बुद्धि भ्रष्ट होने वाली लगती है तो वो किसी की बात को नहीं सुनते हैं। तो उन्होंने भी बात को नहीं सुना, फिर ब्रह्मा जी क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने भी बोल दिया कि जाओ तथा अस्तु करके ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद ये ब्रह्मलोक में जाके आतंक मचाने लगता है राक्षसों के साथ मिलके। ये एक और राक्षस आ जाता है जो इनके साथ मिलके अत्याचार मचाने लगता है। अत्याचार सुनते सुनते सब देवता में भगदड़ मच जाती है। फिर इन्होंने कहा कि जाओ किसी सुंदर स्त्री के बारे में सुने हैं, उसको बंधक बना के मेरे पास लेकर आओ। महिषासुर को समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानते हैं। महिषासुर अपने अभिमान में चूर चूर रहता है, उसको अपने आगे किसी को दिखाई नहीं देता है। फिर महिषासुर ने अपने मंत्री से बोला कि जाओ सब जगह मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अमर हूँ, जो मन करे वो करो। वो सबको मारता था छीनता था, यही सब अत्याचार मचाया हुआ था। सभी देवता बड़े परेशान थे, सबको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो उन्होंने माता के शरण में जाके माता जी से बोला कि महिषासुर बहुत अत्याचारी हो गया है और सबको परेशान कर रहा है। सब देवता विवश थे क्योंकि उनको
अमर का वरदान ब्रह्मा जी से मिल गया था। इस वजह से सभी देवता परेशान थे कि क्या होगा। फिर महिषासुर अपने मंत्री से बोलता है कि जाओ, उस एक सुंदर स्त्री है जिसको पकड़ के मेरे शरण में ले आओ, मैं उसको सेविका बना के रखूँगा। मंत्री को अपने कहता है कि जाओ, जल्दी जाओ। मंत्री बोलता है जी महाराज। मंत्री उसके बात को सुन के आगे बढ़ने लगता है। वो चला जाता है माँ वैष्णो के पास जाने लगता है। और महिषासुर कहता है अगर वो नहीं मानेगी तो बंदी बना के लेकर आना। तो वो बोलता है ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ। इधर चला जाता है, इधर माता के पास जाके बोलता है हे सुंदरी, महिषासुर मेरे स्वामी ने तुमको बुलाया है, तुम चलो, वो तुमको अपनी सेविका बना के रखेंगे और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। माता रानी उसको समझाती हैं कि क्षमा मांग लो, अब से तुम क्षमा मांग लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। लेकिन वो अहंकारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था और माता रानी को साथ ले जाने की हट करने लगा। माता रानी समझाने लगी कि अब से मान जाओ वरना तेरा नाश हो जाएगा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर माता रानी को बहुत गुस्सा आया और जिसको सर्वनाश करवाना रहता है उसकी बुद्धि भी खराब हो जाती है। फिर माता रानी का जो शेर था, जो उनकी सवारी है, वो दहाड़ने लगा। ये देखिए कितना तेज से शेर दहाड़ रहा है। फिर माता रानी ने उसका सर्वनाश कर दिया। माता रानी बोलो शेरावाली की जय।